धरते गाते अंबर गाता, धरते गाते अंबर गाता, गाते चारों धाम तेरो राम राज साकार होठे, राम राज साकार होठे, कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज साकार होठे, कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज साकार हो, राम राज साकार हो। विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से, दैहिक दैविक भवतापों से, सब मानव मुक्ति पाए। राम राज साकार हो, राम राज साकार हो। चल उठे भाईचारा, गाँव गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का, नभ मंडल में छा जाए। राम राज साकार हो,
का और विषमता की खाई विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई करुणा की मुक्ता मणियों से करुणा की हृदय सिंधु उफ ना जाए राम राज साकार हो राम राज साकार हो पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई श्रुति कोकिल कंठों से फूटे श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं राम राज साकार हो राम राज साकार हो कलयुग सतयुग बन जाए ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु स्वर्ग धरा पर आ जाए राम राज हो राम राज हो राम राज तथा
परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन कोटि कोटि वंदन अर्पित करते हैं, जिनकी महती कृपा अनुकंपा एवं मार्गदर्शन में ही यह विशाल सात दिवसीय श्री राम कथा अमृत का आयोजन आपके इस क्षेत्र में संभव हो पाया है। तो बोलिए परम पूजनीय गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। आए हुए समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से मैं मंच पर अध्यासीन परम पूजनीय गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या महामनस्विनी रामायण मर्मज्ञ कथाव्यास साध्वी सुश्री श्रेया भारती जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सज्जनों, साध्वी सुश्री श्रेया भारती जी इससे पूर्व भी देश और विदेशों के अनेक विशिष्ट स्थलों पर यह कथा रस वितरित कर चुकी हैं, जिसमें अंपार जनसमूह ने छक्कर आनंद लिया है। और आज यह इस बरेली क्षेत्र को पावन पुनीत करने हेतु हमारे बीच पहुंची हैं, हमारे बीच पधारी हैं। सज्जनों, हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस रहस्य को खोज निकाला था कि सर्व कल्याणकारी ईश्वर का महिमागान समस्त वातावरण को समस्त प्रकृति को शुभ्र बना देता है, शुद्ध कर देता है। इसीलिए उन्होंने इस समाज को ऐसी महान परंपराएं दी जिसके अंतर्गत हमारे पापों का हनन करने वाली प्रभु की अनंत कथाओं का वाचन किया जाने लगा, उसका श्रवण किया जाने लगा, उसका बखान उसका गायन किया जाने लगा। परंतु कुछ सज्जनों का मत कुछ भिन्न हुआ करता है। बात उस समय की है जब एक बार स्वामी विवेकानंद जी वेस्ट के लोगों को प्रभु श्री राम की कथा का अमृत पान करा रहे थे। उस समय एक सज्जन वहां पर खड़े हुए और उन्होंने अपना तर्क रख दिया कि इस प्रकार कथा कहानियां सुनाने और सुनने से भला समाज को क्या लाभ होने वाला है। स्वामी जी, बहुत अच्छा होता अगर आप कोई काम धंधा करते और समाज को कोई श्रेष्ठ योगदान देते। स्वामी विवेकानंद जी ने इस बात को सुना और अनसुना कर आनंद से प्रभु की कथा आगे बांचते रहे, कहते रहे। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि अचानक से उन्होंने उसी व्यक्ति को इंगित किया और कुछ कटु शब्द कह दिए। इतना सुनना था कि वह व्यक्ति तो आग बबूला हो गया, क्रोध से भरकर कहने लगा, ये आप कैसे कह सकते हैं? आप ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग मेरे खिलाफ कर ही कैसे सकते हैं? ये आपको शोभा नहीं देता। स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे श्रीमान, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आपकी परेशानी का कारण मेरे द्वारा बोले गए चंद शब्द ही है ना, और बस यही आपके प्रश्न का उत्तर भी है। अगर मेरे द्वारा बोले गए कुछ चंद शब्द आपके मन को इतना अशांत कर सकते हैं तो प्रभु श्री राम की कथा में निहित मानव जीवन के श्रेष्ठ आदर्शों को सुनने से और उस पर मनन चिंतन करने से मानव मन के श्रेष्ठ भाव, शुभ भाव, शुद्ध भाव वह जागृत हो जाते हैं
और जिससे हमारे मन को शांति प्राप्त होती है, हम ईश्वर की ओर अग्रसर हो जाते हैं और तब ही हम समाज के लिए कोई श्रेष्ठ योगदान भी प्रदान कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। इसलिए सबसे पहले आवश्यकता है अपने मन को शांत करने की। और सज्जनों, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित यह कथा तो और भी अनेक कारणों से विशेष अति विशेष है। सर्वप्रथम तो यही कि साध्वी जी सर्वथा निस्वार्थ और निष्काम भावना के प्रकाश से प्रदीप्त हैं। इनका एकमात्र ध्येय है गुरु महाराज जी द्वारा आंदोलित भारत की सांस्कृतिक लहर से जन जन को भिगो देना, जन जन को प्लावित कर देना। और तो और, साध्वी जी श्री गुरु महाराज जी द्वारा ब्रह्म ज्ञान से विभूषित हैं। और यह तो हम सब जानते हैं कि वक्ता के ना केवल विचारों बल्कि उससे भी अधिक उसकी आध्यात्मिक अवस्था का प्रभाव श्रोतागणों पर बहुत अधिक पड़ता है। ऐसा प्रभाव जो आगे चलकर उनमें आध्यात्मिक परिवर्तन ला देता है। ऐसा प्रभाव जो हमें केवल मात्र कथा कहानी या तर्क वितर्क तक सीमित नहीं रखता, बल्कि हमारे जीवन में उस प्रैक्टिकल टेक्निक, उस प्रयोगात्मक तरीके का, उस ब्रह्म ज्ञान का पदार्पण कर देता है जिसके द्वारा हम ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति से जुड़ पाते हैं, उसके दर्शन, उसके साक्षात्कार का आनंद उठा पाते हैं। तो आइए, ऐसी ही कामना, ऐसी ही प्रार्थना करते हुए आज के कथा का शुभारंभ करते हैं और उसके लिए आग्रह करते हैं मंच पर अध्यासीन परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या महामनस्विनी रामायण मर्मज्ञ कथा व्यास साध्वी सुश्री श्रेया भारती जी से कि वे आज की कथा का शुभारंभ करें। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सच्चे दरबार की जय।
सुंदर तनु शारदूल चरमंबरं काल ब्याल कराल भूषण धरं गंगा शशांक प्रियं काशीशं कलिकल्म शौघ शमनं कल्याण कल्पद्रुमं नौमिड्यं गिरिजापतिं गुण निधिं कंदर्पहं शंकरं यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा च मस्तके भाले बाल विदुर गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधीपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनी भी श्री शंकर पातुमा। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर पर व्याघ्र चर्म को धारण करने वाले काल के समान भयानक सर्पों के आभूषण पहनने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के समूह पापों का नाश कर देने वाले दीनों पर दया करने वाले कामदेव को भस्म कर देने वाले सर्वव्यापक संहारकर्ता अंतर्यामी भगवान शिव के चरणों में हम बारंबार नमन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, कृष्ण बलदेव की जय, परम श्रद्धे सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय। आदरणीय सज्जनवृंद, श्री रामकथा की इस प्रथम आस्थायिका में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यह हमारा यथेष्ट सौभाग्य है कि हम यहाँ पर बैठकर प्रभु की कथा का रसवादन कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं। ये कृपा है, हमारा सौभाग्य है। और आज हम इस श्री राम कथा की प्रथम आस्थायिका में आपके समक्ष भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह की गाथा को लेकर उपस्थित हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि माँ सती भगवान से विलग होने के कारण व उनके अपमान को सहन न कर पाने के कारण अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में अपने आप को भस्मीभूत कर लेती है और प्रभु को पुनः प्राप्त करने के लिए पार्वती के रूप में हिमालय राज के घर में अवतीर्ण होती है। रामचरितमानस में भगवान शिव, माता सती और पार्वती जी की कथा
श्रद्धा, विश्वास और संशय के अंतः संबंधों को रूपायित करती है, जिसमें भगवान शिव विश्वास हैं, सती जी संशय हैं और पार्वती जी श्रद्धा। जब जीवन में संशय का आगमन होता है तो विश्वास खंडित होने लगता है, अमर प्रेम मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जानते हो संशय का सबसे पहला प्रहार कहाँ होता है? संशय का सबसे पहला प्रहार हमारे विश्वास पर होता है। संशय जितना प्रभावी होता है, विश्वास उतना कमजोर होता चला जाता है, उतना कमजोर होता चला जाता है। जिस व्यक्ति का नाता संशय से जुड़ जाता है, उसका नाता विश्वास से टूट जाता है। यही कारण है कि जिस समय सती जी संशयी हुई, मन में संशय आया, तो भगवान शिव रूपी विश्वास से उनका नाता टूट गया। जानते हो क्यों? क्योंकि संशय और विश्वास दोनों एक साथ कभी नहीं चल सकते। एक की रक्षा के लिए दूसरे को आत्म बलिदान करना ही पड़ता है। और संशय की पराजय से जन्म हुआ श्रद्धा का, जिसने राम कथा की गंगा को भगवान महादेव रूपी विश्वास के सहारे जन जन तक पहुंचा दिया। वास्तव में श्री राम कथा का जो उद्देश्य है, वो आधार है श्रद्धा और विश्वास का जागरण। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर में श्रद्धा विश्वास पूर्ण जीवन जीने की ललक पैदा करना, यही श्री राम कथा का उद्देश्य है, यही इसका गौरव है। हम देखें गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव, माँ सती और पार्वती जी की कथा को हमारे समक्ष रख समाज में श्रद्धा और विश्वास का ही तो जागरण किया उन्होंने। प्रायः यह देखा जाता है कि जब किसी व्यक्ति के मन में संशय आता है तो लोग उसे तिरस्कृत पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, उसके आचरण को पापपूर्ण आचरण मानते हैं, उसे नास्तिक कहते हैं, ना जाने कितनी बातें उसके विरुद्ध होती हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या किया? उन्होंने माता सती के संशय को तिरस्कृत नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने उस संशय में से श्रद्धा का द्वार खोल दिया। उन्होंने कहा कि यदि संशय को रूपांतरित कर दिया जाए तो यह श्रद्धा का अजस्र स्रोत बन सकती है। और श्री राम कथा एक ऐसी धारा है जो समस्त संसार को पावन करती है। पावन अपावन सबको प्रभु की भक्ति स्वीकार करती है। और यही कारण है कि इतने वर्षों के उपरांत भी हम इस गंग सागर में डुबकी लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन का उद्देश्य उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेना है, उस ईश्वर का अनुभव कर लेना है, उसका साक्षात्कार कर लेना है। और उसी का अनुभव करने के लिए, ब्रह्म से मिलने के लिए, अपना पुनः सायुज्य स्थापित करने के लिए माता सती पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। और हिमालय राज के अलौकिक वातावरण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी है। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है, मन में भक्ति है, प्रेम है, विश्वास है, दृढ़ता है। बाबा कहते हैं एक दिन क्या हुआ, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही विधि गेह सिधाए, सैल राज बड़ आदर कीना, पद बखार बरु आसन दिन्हा। क्या हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सती जी का जन्म हो चुका है पार्वती जी के रूप में। यह समाचार जानकर एक दिन नारद मुनि जी प्रभु का स्मरण करते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए पहुंच जाते हैं हिमालय राज के गृह में। यदि हम नारद जी को एक शब्द में परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं, सबके प्रिय, सबके हितकारी। वो सबको प्रिय हैं और सबका हित करते हैं। और ऐसे त्रिकालदर्शी, सर्वज्ञ, जिनकी सर्वत्र पहुंच है, भक्तों के शिरोमणि, जैसे उनको देखा महान मुनि को, महान ऋषि को, महान भक्त को,
तो हिमालय राज अत्यंत प्रसन्न हो गए, दोनों हाथ जोड़ लिए, मन ही मन कहने लगे, आज मेरा सौभाग्य है जो मैं इनके दर्शन कर रहा हूँ, इतने महान मुनि का दीदार कर रहा हूँ। प्रणाम किया, चरणों का प्रक्षालन किया, आसन पर आरूढ़ करवाया और आशीष मांगी, आशीर्वाद मांगा, और नारद जी ने दोनों हाथ उठाकर अपना आशीर्वाद दिया। अब हिमालय राज सोचने लगे, मुझे तो आशीष मिल गई है, मैं अपनी पुत्री को भी कहता हूँ, वो भी नारद जी से आशीर्वाद ले ले। और उसी समय पार्वती जी को बुलाया गया, और जैसे ही पार्वती जी ने प्रणाम किया तो नारद जी मन ही मन मुस्कुरा दिए, उन्हें भी आशीष दी, और हिमालय राज दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, मुनिवर आप यहाँ पर आए हैं ये मेरा सौभाग्य है, इसलिए मेरी एक कामना है, आप मेरी पुत्री का भाग्य देखकर उसके भाग्य के गुण, उसके भाग्य के दोष कहिए, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी पुत्री के भाग्य में क्या है। आज मनोकामना रख रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। आप मन में धारण कर हृदय से मेरी पुत्री के गुण और दोषों को दोनों को कह दीजिए। जैसे ही नारद मुनि जी ने पार्वती माता का हाथ देखा तो मन ही मन प्रसन्न हो गए। कह मुनि बेहसी गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हार सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो है संतति पिए ही प्यारी, सदा अचल एही कर एही बाता, एही ते कछु ना जाए ना जाता। इतना सुंदर भाव उन्होंने रखा, उसी समय मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं नारायण नारायण, कहने लगे, हे राजन तुम्हारी कन्या तो सुलक्षणों की खान है, ये तो साक्षात देवी है, देवी उमा अंबिका भवानी इसके नाम होंगे, ये तो जगत पूज्य होगी, अरे स्त्रियां इसका स्मरण कर भव से पार हो जाएंगी, ये तो माता पिता का यश बढ़ाने वाली है, अरे राजन इनकी महिमा क्या गाऊं, क्या इनके भाग्य की सराहना करूं। जैसे ही हिमालय राज ने सुना मेरी पुत्री का भाग्य इतना उज्जवल है, इतना श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ व्यक्तित्व है इसका, बड़े प्रसन्न हो गए, मैना भी प्रसन्न हो गई। अभी प्रसन्नता की लहर आई ही थी तो उन्होंने क्या देखा, नारद जी एकदम से गंभीर हो गए, गंभीर मुद्रा में बैठ गए, नारायण नारायण, अरे राजन तुम्हारी पुत्री का सौभाग्य तो बहुत अच्छा है, भाग्य तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके भाग्य में कुछ दोष है। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु ते अब अवगुण दुईचारी, अगुण अमान मात पितहीना, उदासीन सब संस्यो छीना। कहने लगे, राजन तुम्हारी पुत्री का जो वर है ना, वो उदासीन होगा, निष्काम हृदय होगा, माता पिता विहीन होगा, उसका ना घर होगा ना बाहर होगा, ना धन होगा ना संपत्ति होगी, ऐसा वर ये पाएगी, ऐसी रेखा है इसकी। हिमालय राज तो अत्यंत व्यथित हो गए, मेरी इतनी सुंदर कन्या लक्षणों से युक्त और उसको ऐसा वर, कहने लगे, मुनिवर आपके पास इसका उपाय तो अवश्य होगा, आप कोई तो उपाय बताइए। मुनिवर मुस्कुरा दिए, कह मुनि सही मुवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार, तदपि एक में कहो उपाय, होई करे जो दे सहाय। उन्होंने कहा, जो ललाट पर एक बार लिख दिया जाता है उसे कोई मिटा नहीं सकता, यही भाग्य लेकर आई है, फिर भी मैं तुम्हें एक उपाय कहता हूँ, यदि देव सहायता करेंगे तो अवश्य पूर्ण होगा। निस्संदेह तुम्हारी पुत्री का वर तो ऐसा ही होगा, जिसका ना घर होगा ना बाहर होगा, ना माता पिता होंगे ना धन वैभव होगा, जो निष्काम हृदय होगा, योगी होगा, लेकिन जितने भी मैंने तुम्हें ये अवगुण बताए हैं, मेरे अनुमान से वो सारे के सारे अवगुण, वो दोष भगवान शिव में है, और यदि
आपकी पुत्री का विवाह भगवान शिव से हो जाएगा तो जो अवगुण हैं वो गुणों में बदल जाएंगे, जो दूषण हैं वो भूषण बन जाएंगे, जो आज अवगुण लग रहे हैं लोग सराहना करेंगे, इसकी महिमा गाएंगे। इसलिए यही एक उपाय है। आज नारद जी ने कैसा उपाय बताया है? उन्होंने कहा भगवान शिव के संग से निकृष्ट भी उत्कृष्ट हो जाते हैं, अपावन भी पावन हो जाते हैं, नीच भी ऊंच गति को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा है भगवान महादेव का संग। कितनी सुंदर और कितनी खरी बात उन्होंने कह दी। सच ही तो है, कितनी सच्चाई है, कितनी वास्तविकता है उनके शब्दों में। हम देखें, यदि हम सर्प को देखें तो देखने में सर्प कितना निकृष्ट जीव है, सबसे विकारी और तामसिक जीव माना जाता है सर्प। हिंसा और क्रूरता उसमें कूट कूट कर भरी होती है। उग्र स्वभाव का, क्रोधी, स्वार्थी, कि अपने पोकजनी संतानों तक का भक्षण कर लेता है, इतना स्वार्थी होता है। लेकिन इतना तामसी, इतना कृष्ट, इतना नीच होते हुए भी भगवान महादेव के कंठ का हार है। भगवान महादेव के साथ साथ हम उसे भी प्रणाम करते हैं। यही तो शिवत्व का गौरव है, उनकी शक्ति और करुणा का सूचक है। दोनों शक्ति भी है और करुणा भी है। भगवान महादेव का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है जो केवल गुणों को स्वीकार करते हैं। मेरे प्रभु तो गुण अवगुण, पावन अपावन दोनों को स्वीकार कर लेते हैं। उनके पास जाते समय ये सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मेरे पास अच्छा क्या है, मेरे पास कोई अच्छी वस्तु है कि नहीं, मैं कौन सा पदार्थ लेकर जाऊं। भाव से चले आओ, मेरे भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसे ग्रहण कर लेते हैं। देखे तो राख को कितना निकृष्ट मानते हैं, लेकिन भगवान ने तन पर रमा ली। भगवान के मस्तक पर देखें तो अर्ध चंद्रमा है। यदि भगवान पूर्णिमा का चंद्रमा धारण करते तो चंदन की तरह शोभा देता, लेकिन मेरे प्रभु ने पूर्णिमा के चंद्र को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने अर्ध चंद्र को स्वीकार कर लिया। कहते जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव की ऐसी झांकी को देखा तो वो बार बार बलिहार जाते हुए, नमन करते हुए, वंदन करने लगे। कहने लगे हे महादेव, आपके मस्तक पर जब से मैंने अर्ध चंद्रमा देखा है मैं आपका कृतज्ञ हूं। मेरी वाणी बार बार आपका धन्यवाद करना चाहती है, आपको प्रणाम करना चाहती है, आपकी स्तुति गाना चाहती है। मैं बहुत प्रभावित हूं आपके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा को देखकर। हे प्रभु, यदि आपने पूर्णिमा के चंद्रमा को धारण किया होता तो मैं इतना प्रभावित नहीं होता, लेकिन जब मैंने आपके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा को देखा तो मैं समझ गया कि आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि आप अर्ध चंद्रमा को भी इतना ऊपर उठा देते हैं कि अपने मस्तक तक धारण कर लेते हैं। आप में इतनी करुणा है, आप इतने दयालु हैं। प्रभु आपकी दया क्या कहें। आप मात्र निकृष्टों को उत्कृष्ट ही नहीं करते, उन्हें जगत वंद्य बना देते हैं। सारा संसार उन्हें पूजता है, सारा संसार फिर उन्हें नमन करता है। आपकी करुणा क्या कहूं प्रभु, आपकी महिमा क्या गाऊं। और मुझे विश्वास है प्रभु, यदि आपने अर्ध चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया तो आप मुझे भी अवश्य धारण करेंगे, अर्थात मेरा कल्याण भी अवश्य करेंगे, मुझे भी अपनी शरण में लेंगे, मेरे जीवन को धन्य करेंगे। प्रभु आज गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु की दिव्य झांकी को देखकर मतमस्त हो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। हे प्रभु, हे महादेव, मेरे बंधनों को काट दो, मेरे विकारों को नष्ट कर दो। प्रभु मेरे बंधनों को काट दो। और गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु की स्तुति करते हुए अपने मन के भावों को किस प्रकार से रखते हैं, आइए हम भी एक स्तुति के माध्यम से सुनते हैं। आइए। ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु की करुणामयी झांकी को देखकर आनंद विभोर हो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे बंधनों को खत्म कर दो, काट दो मेरे बंधनों को, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ही सामर्थ्यशाली हैं जो मेरे बंधनों को काट सकते हैं, क्योंकि आपके संग से तो निकृष्ट उत्कृष्ट हो जाते हैं, अपावन पावन हो जाते हैं। प्रभु मुझे पावन कर दो, अपनी कृपा दो, अपनी दया दो, प्रभु अपनी कृपा दो। सच में भक्त जानता है कि ईश्वर के संग से अपावन भी पावन हो जाते हैं, दूषण भी भूषण बन जाते हैं। यही कारण है कि आज नारद जी कह रहे हैं यदि पार्वती जी का विवाह भगवान शिव के साथ हो जाएगा तो अवगुण गुणों में बदल जाएंगे, लोग उनकी पूजा करेंगे, वंदन करेंगे। कहते ऐसे ही एक घटना घटित हुई थी चित्रकूट में भी। चित्रकूट में अयोध्या कांड में वर्णन आता है कि जिस समय भरत जी प्रभु श्री राम जी को वापस लेकर आने के लिए चल पड़ते हैं अपनी सेना सहित, माताओं सहित, गुरुजनों सहित, चित्रकूट में पहुंच गए। और जिस समय चित्रकूट में पहुंचे तो बाबा कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी और भरत जी में मीठा सा मतभेद हो गया। किस बात को लेकर? कि भरत जी दोनों हाथ जोड़कर भगवान राम जी के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं प्रभु तीनों लोकों में, तीनों कालों में, किसी युग में, किसी काल में मेरे जैसा पापी, मेरे जैसा दुरात्मा, मेरे जैसा नीच निकृष्ट व्यक्ति कोई नहीं होगा। प्रभु मैं नीच हूँ, मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं क्या कहूँ, मैं क्या हूँ, मैं निकृष्ट जीव हूँ प्रभु, मैं निकृष्ट जीव हूँ। भरत जी अपने आप को निकृष्ट कह रहे हैं और प्रभु श्री राम क्या कह रहे हैं? कहने लगे भरत तीनों लोकों में, तीनों कालों में तुम जैसा सज्जन कोई हो ही नहीं सकता। तुम तो पुण्यात्मा हो, तुम सज्जन हो, तुम उत्कृष्ट व्यक्तित्व के धनी हो, तुम साधुओं के सिरमौर हो, तुम्हारा श्रेष्ठ व्यक्तित्व है। प्रभु एक के बाद एक उपमा देते जा रहे हैं, एक के बाद एक उपमा देते जा रहे हैं। भरत ने कहा नहीं प्रभु, मैं निकृष्ट जीव हूँ, मैं उत्कृष्ट नहीं हूँ। अब प्रभु श्री राम जी ने एक ऐसी बात कह दी कि भरत जी धर्म संकट में पड़ गए। कहने लगे भरत मुझे एक बात बताओ, मैं सत्यवादी हूं कि नहीं हूं? भरत ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे प्रभु आपसे ही तो सत्य की धारा निकलती है, आप तो सत्यवादी हैं, आपके जीवन चरित्र से ही तो कितना कुछ सीखने को मिलता है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? प्रभु श्री राम कहने लगे देखो भरत, या तो तुम ठीक हो सकते हो या मैं ठीक हो सकता हूं, या तुम सच बोल रहे हो या मैं सच बोल रहा हूं। तुम कह रहे हो मुझसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं तुमसे बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं है। अब बताओ हम दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है? भरत भक्त है, कहने लगे प्रभु हम दोनों ही सच बोल रहे हैं। प्रभु आश्चर्यचकित हो गए, वो कैसे, हम दोनों सच कैसे बोल सकते हैं? एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है, एक सच बोल रहा है, ऐसे होता है? दोनों सच कैसे हो सकता है? तो उस समय भरत जी ने एक बड़ा सुंदर दृष्टांत सुनाया। भरत जी कहने लगे प्रभु एक बार क्या हुआ, एक लोहा था। अब लोहा था, कुछ व्यक्ति पास से गुजर रहे थे, कुछ लोगों ने लोहे से पूछा अरे भाई तुम कौन हो? तो लोहे ने कहा मैं लोहा हूं। लोगों ने कहा अच्छा तुम लोहा हो, चल गए पारस के पास। पारस के पास पहुंचे, जाकर कहने लगे अरे भाई बताओ वो क्या है, वो तो अपने आप को लोहा कह रहा है, हम तो दुविधा में पड़ गए, सच क्या है सच बताओ।
तो पारस ने कहा, ऐसे तो मुझे नहीं पता चलेगा ये क्या है, मेरे पास लेकर आओ, छूकर बताऊंगा। जैसे उस लोहे को पारस के पास लेकर आया गया, पारस ने छुआ उसे, तो क्या हुआ, वो सोना बन गया। पारस ने कहा, ये कोई लोहा वोहा नहीं है, ये तो सोना है, सोना, खरा सोना है ये। तो प्रभु आप बताइए कि लोहा सही कह रहा है कि पारस सही कह रहा है? दोनों ही सही कह रहे हैं ना। लोहा अपनी दृष्टि में लोहा ही है, भले ही पारस उसे सोना कहे। ठीक इसी प्रकार से प्रभु, मैं पापी हूं, मैं निकृष्ट हूं, मैं अधम हूं, ये तो आपकी कृपा है, ये आपकी दया है कि आपके स्पर्श से मैं सोना बन गया, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सब आपका ही है प्रभु, आपकी करुणा है, आपकी दया है प्रभु। कितनी सुंदर बात कही, सच में लोहा तो लोहा ही है, पारस उसे सोना बना देता है। ठीक इसी प्रकार से हम निकृष्ट जीव हैं, लेकिन जब भगवान का संग मिलता है तो वो नीच से ऊपर उठा देते हैं, अपावन से पावन कर देते हैं। भरत कहने लगे, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। प्रभु मुस्कुरा दिए। भरत जी ने एक और प्रश्न पूछा, कहने लगे, प्रभु यदि कोई संदेह रह गया तो मुझे एक और प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि एक तोता बहुत सुंदर बोलने लग जाए और एक बंदर बहुत सुंदर नाचने लग जाए, तो प्रभु मुझे बताएं, तोते की विशेषता है, बंदर की विशेषता है, या तोते को पढ़ाने वाले की विशेषता है, नचवाने वाले की विशेषता है, बस इतना मुझे बता दो। प्रभु श्री राम मुस्कुरा दिए, कहने लगे, तोते की विशेषता नहीं है, वो तो टर-टर करना ही जानता है, विशेषता तो पढ़ाने वाले की है। बंदर को कहाँ कुछ आता है, वो तो चंचल वृत्ति का है, विशेषता तो नचवाने वाले की है। तो भरत जी कहने लगे, बस यही हाल मेरा है प्रभु, यही स्थिति मेरी है, मैं भी तो तोता हूँ, मैं भी तो एक वानर की भांति, मेरा मन चंचल है, लेकिन यदि ये भरत कुछ बोल रहा है, कुछ नाच रहा है, कुछ कर रहा है, तो इसमें भरत की विशेषता नहीं है, ये मेरे राम की विशेषता है, ये मेरे प्रभु की विशेषता है। प्रभु ये आपकी विशेषता है। सच में प्रभु कितने विशेष होते हैं, जो विशेष नहीं है उन्हें विशेष बना देते हैं। तभी तो बाबा कहते हैं, आप उत्कृष्ट नहीं बनाते, जगत वंदे बना देते हो, दुनिया उसे पूजती, ऐसा व्यक्तित्व बना देते हो आप। यही कारण है कि आज नारद जी जानते हैं इस रहस्य को, वो कह रहे हैं कि आप यदि न अवगुणों को गुणों में बदलना है, दूषण को भूषण बनाना है, तो क्या करो, पार्वती जी का विवाह भगवान शिव के साथ कर दो, लेकिन एक शर्त है, भगवान ऐसे नहीं मिलते, ये नहीं कोई भी गया भगवान को पा लिया, उन्होंने कहा भगवान शिव को पाना है तो तप करना पड़ेगा। हिमवान और मैना उदास हो गए, मन खिन्न हो गया, वर के दोषों को सुनकर हताश हो गए, और उधर पार्वती जी महादेव के वर के दोषों को सुनकर प्रसन्न हो गई, सोचने लगी अब प्रभु से मिलन की बेला अत्यंत समीप है, जो सती के रूप में रह गया था वो पूर्ण करना है, प्रभु अवश्य मिलेंगे। और उसी समय नारद जी ने कहा, भगवान को पाने के लिए तप करना पड़ेगा, करे तप जो मिलही महेशु, आन उपाय न मिटही कलेशु। उन्होंने कहा, और किसी उपाय से ये कलेश नहीं मिट सकता, यदि महादेव पाने हैं तो तप करना पड़ेगा। फिर क्या था, माँ पार्वती जी ने तप के मार्ग को स्वीकार किया, अपने पुरुषार्थ से दुस्साध्य को साध्य करने में लग गई, ब्रह्म को पाने में लग गई, कठोर तपस्या में लीन हो गई। उर्धरी उमा प्राणपति चरणा, जाए विपन लागई तप करना, अति सुकुमार न तन तप जोगू, पति पद सुमर तजे सब भोगू। पार्वती जी ने अपने मन में प्रभु का स्मरण किया, उनके चरणों का ध्यान किया, और तपस्या में रत हो गई, तपस्या में लीन हो गई। उनका शरीर कोमल है, वो नाजुक है, तप करने योग्य नहीं है, लेकिन प्रभु को पाना है तो वो कहती, मैं तप करूंगी, और तप में अध्यासीन हो जाती हैं, ध्यान में बैठ जाती हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिस समय लंबे अब अंतराल तक तप किया, तो एक दिन
ब्रह्मा देव ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा, उर्धरी उमा प्राणपति चरणा, तुमने भगवान महादेव का स्मरण कर जो मंशा को व्यक्त किया है वो मंशा तुम्हें पूर्ण होगी, तुम्हें भगवान महादेव पति रूप में मिलेंगे, तुम निश्चिंत हो जाओ, ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरा वर है, ये मेरा वरदान है तुम्हें। जैसे ही माँ पार्वती जी ने वरदान को प्राप्त किया, मन प्रसन्न हो गया, तपस्या सफल हुई, भगवान महादेव मिलेंगे। सती रूप में पूर्ण रूप से ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पाई, इसलिए विलग हो गई, लेकिन अब सजग है, अब कोई भूल नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई अड़चन नहीं, कोई गिरावट नहीं, पाना है तो मात्र प्रभु को पाना है। आकाशवाणी की ध्वनि को सुना और उसके पश्चात प्रसन्न मन से प्रभु का पुनः ध्यान करने लग गई। और उधर बाबा कहते हैं, कैलाश के धाम पर प्रभु श्री राम का आगमन होता है, मनोमय भाव से प्रभु भगवान महादेव को कहते हैं कि जाओ और पार्वती जी के साथ विवाह संपन्न कर जगत का कल्याण करो, जगत का उद्धार करो, और प्रभु उन्हें स्वीकृति देते हैं और वहीं पर अभी अध्यासीन है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बाबा कहते हैं उसी समय के दौरान सप्त ऋषियों का आगमन होता है, और जैसे ही सप्त ऋषियों का आगमन हुआ, प्रभु ने कहा जाओ और पार्वती की परीक्षा लेकर आओ। कितनी विचित्र बात है ना, सती के रूप में जिस समय पार्वती जी थी तो उन्होंने ब्रह्म की परीक्षा ली थी, लेकिन आज ब्रह्म माँ पार्वती की श्रद्धा की परीक्षा लेना चाहते हैं, माँ पार्वती के विश्वास की परीक्षा लेना चाहते हैं। विश्वास है, श्रद्धा है, प्रेम है, आस्था है कि कहीं ऐसे ही बैठ गए हैं, कहीं ऐसे ही प्रयास कर रहे हैं परीक्षा। उसी समय भेजा सप्त ऋषियों को, सात सात महारथी, सात सात सप्त ऋषि जा रहे हैं और एक पार्वती की परीक्षा लेने के लिए। सातों ही सप्त ऋषि गृहस्थी हैं, विशेषज्ञ हैं, जानते हैं कौन सी रुकावट आती है गृहस्थ धर्म में और कौन सी नहीं, कौन सी दुविधा का सामना करना पड़ता और कौन सा नहीं करना पड़ता। पहुंच जाते हैं माँ पार्वती के समीप, माँ पार्वती तो ध्यान में है, जाकर नितांत स्वाभाविक प्रश्न किया, हे देवी इतनी कठोर तपस्या, इतनी कठोर आराधना किस इच्छा के लिए कर रही हो? और जैसे ही अपनी इच्छा को व्यक्त करो, हो सकता है हम आपकी कोई सहायता कर सकें, हम तो आपकी सहायता ही करने आए हैं, अपनी अपनी इच्छा को रखो। माँ पार्वती जी ने जैसे ही सप्तऋषियों की वाणी को सुना, मन में सोचने लगी, अवश्य ही यह मुझे बताने आए हैं कि भगवान महादेव ने मुझे स्वीकार कर लिया है, यह मुझे आशीर्वाद देने आए हैं, आशीष देने आए हैं। अपने नेत्रों को खोला और अपना मंतव्य बता दिया, अपना मनोरथ बता दिया। सप्त ऋषि जो हैं वो परीक्षा करना चाहते हैं, तर्क करना चाहते हैं, वितर्क करना चाहते हैं कि पार्वती जी की आस्था हिले, पता चल सके कितनी आस्था है, वो परीक्षा लेना चाहते हैं। लेकिन पार्वती जी तर्क करना ही नहीं चाहती, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया, कहने लगे, हे मुनियों,